नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो वी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। किसान आंदोलन को लेकर आठवें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। 15 जनवरी को फिर मिलेंगे किसान और सरकार। जी हां, नए कृषि कानूनों का विरोध के बीच किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को आठवीं बार वार्ता हुई। हालांकि पिछली 7 मुलाकातों की तरह यह चर्चा भी बेनतीजा रही। हालांकि इस बैठक को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हल निकलने की उम्मीद जताई थी। सरकार आगामी 15 जनवरी को किसानों की मांगों को लेकर संगठनों के साथ एक बार फिर बैठक करेगी। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में 40 किसान संगठनों के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोमनाथ प्रकाश मौजूद थे। खास बात यह है कि इससे पहले सरकार और किसानों के बीच हो चुकी 7 बार की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि 30 दिसंबर को ही मुलाकात में पराली जलाने और विद्युत सब्सिडी को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बनी थी। किसानों के साथ बैठक बेनतीजा रहने पर कृषि मंत्री का पहला बयान, कहा नहीं मिला कोई विकल्प। जी हां, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को ही आठवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज किसान यूनियन के साथ तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होती रही, परंतु कोई समाधान नहीं निकला। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प दिया जाए, परंतु कोई विकल्प नहीं मिला। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने बार बार कहा है कि किसान यूनियन अगर कानून वापस लेने के अलावे कोई विकल्प देगी तो हम बात करने को तैयार हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, परंतु देश में बहुत से लोग इन कानूनों के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन और सरकार ने 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि तब कोई समाधान निकलेगा। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुलाई गई यह बैठक सोमवार शाम 4 बजे होगी। कोरोना के मामले आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन आम लोगों को अगले सप्ताह मिलनी शुरू हो सकती है। देश भर में इसके लिए 2 दौर का ड्राई रन किया जा चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ प्राथमिकता वाले लोगों को टीकाकरण के बाद जल्दी ही पूरी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे का बड़ा फैसला, अब 9 महीने तक रद्द टिकटों पर मिलेगा रिफंड, ये है शर्तें। जी हाँ, अगर आप अभी तक रद्द हुए टिकटों का रिफंड नहीं ले पाए हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे ने कोरोना के कारण लगे हुए लॉकडाउन के दौरान रेलवे काउंटर से बुक कराए गए टिकटों को रद्द कराने और उनका रिफंड पाने की टाइमिंग को बढ़ा दिया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे काउंटर से लॉकडाउन के दौरान बुक कराए गए टिकटों का रिफंड पाने की टाइमिंग में दूसरी बार बदलाव करते हुए इसे 9 महीने तक बढ़ा दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उन्हीं लोगों के टिकट का रिफंड मिलेगा जिन्होंने मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच यात्रा के लिए टिकट बुक किए थे। इंडियन रेलवे के मुताबिक अगर आपने 30 जुलाई के लिए ट्रेन टिकट बुक की थी तो उसे आप अप्रैल तक रद्द करवाकर रिफंड पा सकते हैं। यह नियम निर्धारित समय सारणी वाली केवल उन रेलगाड़ियों के लिए खरीदे गए टिकटों पर ही लागू होगा जिन्हें रेलवे द्वारा रद्द किया गया है। जिन यात्रियों ने IRCTC पोर्टल के जरिए टिकट बुक करवाए थे उनका रिफंड प्रोसेस ऑटोमेटिक पूरा हो गया है। रेलवे ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 139 या फिर IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से काउंटर टिकट रद्द कराने की स्थिति में भी टिकट को किसी भी रेलवे काउंटर पर जमा करने की समय सीमा को यात्री की तिथि से 9 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे थिएटर्स, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। जी हां, पश्चिम बंगाल में 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया। आपको बता दें कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के मालिकों ने आय का हवाला देते हुए राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें हॉल की सभी सीटों को भरने की अनुमति दी जाए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% क्षमता से ही अभी सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। महाराष्ट्र में घर खरीदना होगा आसान, राज्य सरकार ने घटाया 50% प्रीमियम।
जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन पर प्रीमियम में 50% की कटौती को मंजूरी दे दी है। नए नियम पहले से जारी और आने वाले नए प्रोजेक्ट्स पर लागू होंगे। इस कटौती की सीमा 31 दिसंबर 2021 रखी गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे सरकार ने साफ किया है कि इस छूट का फायदा ग्राहकों को स्टैंप ड्यूटी के वक्त दिया जाएगा। इस कदम से ग्राहकों पर प्रॉपर्टी खरीदने का बोझ कम होगा। इससे पहले राज्य में स्टैंप ड्यूटी को 31 दिसंबर 2020 तक 5% से घटाकर 2% करने का भी फैसला किया गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में भी बढ़त देखने को मिली है। सरकार के इस फैसले से मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में संपत्तियों की बिक्री में काफ़ी उछाल देखने को मिला। दिल्ली सरकार का आदेश, ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का एयरपोर्ट पर देना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, देना होगा चार्ज। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे के साथ ही ब्रिटेन से शुरू हो रही फ्लाइटों को लेकर दिल्ली सरकार ने अहम आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि यूके से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट होगा। यह टेस्ट भी आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। साथ ही इस टेस्ट में आने वाले खर्चे का भुगतान भी यात्रियों को स्वयं ही उठाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट में जो भी यात्री कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें एक अलग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए रखा जाएगा, तो वहीं जो यात्री निगेटिव पाए जाएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा या फिर उन लोगों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में लोगों को यूके में पाए गए वायरस की चपेट में आने से बचाने के लिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। भारत बायोटेक ने तैयार की कोरोना की नेजल वैक्सीन, ट्रायल के लिए डीसीजीआई से मांगी इजाजत। जी हाँ, कोरोना से लड़ने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। भारत बायोटेक ने कोरोना को मात देने के लिए नेजल वैक्सीन तैयार की है, यानी कि इस वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाएगा। कंपनी अब देश भर में इस वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से इजाज़त मांगी गई है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। अगर ट्रायल में नेजल वैक्सीन के अच्छे नतीजे आते हैं तो फिर कोरोना के खिलाफ साल भर से जारी लड़ाई में इसे बड़े कामयाबी माना जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया भर में फिलहाल ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है। इस वक्त कोरोना को लेकर जो भी वैक्सीन तैयार की गई है उन सब की डोज इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। इसके अलावा 2 हफ्तों में अंतराल पर 2 डोज दिए जा रहे हैं, लेकिन नेजल वैक्सीन नाक के जरिए दी जाएगी। इसके साथ ही सिर्फ 1 डोज ही काफ़ी होगी। कहा जा रहा है कि ये आम वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा असरदार है, इसीलिए इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। सत्ता में आने पर पश्चिम बंगाल में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी बीजेपी। जी हां, मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश लाने के बाद अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी, बशर्ते वहाँ अगले चुनाव में पार्टी सत्ता में आ जाए। एमपी में राज्यपाल ने लव जिहाद अध्यादेश को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने वाली बीजेपी सरकार अब इसे पश्चिम बंगाल में कैश कराने की तैयारी में जुट गई है। षड्यंत्र या फिर जबरिया विवाह कर धर्म बदलवाने के मामले में सख्त कानून बनाने वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने इस फैसले का ममता के राज्य पश्चिम बंगाल में प्रचार करेगी। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आते ही एमपी की तर्ज पर ही लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी। पश्चिम बंगाल में जबरिया या फिर साजिश के तहत धर्म बदलवाने वाले के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही एमपी की तर्ज पर ही पश्चिम बंगाल में गौ कैबिनेट भी बनाया जाएगा। राज्य की गायों को सुरक्षा देने के लिए गौ कैबिनेट का गठन कर बड़े फैसले लिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब नाश्ता देने की तैयारी, कुपोषण के बढ़ते हुए मामलों से सरकार चिंतित। जी हां, राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ द्वारा जारी किए गए सर्वे में यह जानकारी सामने आई है कि बच्चों में कुपोषण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार कैबिनेट के सामने 4000 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव पेश करने वाली है। मिड डे मील की तरह अब स्कूली बच्चों को पोषक तत्व से भरपूर नाश्ता देने की भी योजना बनाई जा रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ सरकारी या फिर सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुफ्त मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन इनमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी हुई सामग्री या फिर बिस्कुट जैसी कोई चीज़ शामिल नहीं की जाएगी। इसकी जगह पर स्वयंसेवी संस्थानों और महिला समूहों द्वारा तैयार की गई सामग्री मुहैया कराने पर विचार चल रहा है। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 41% या 71%? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।